पहुंच चुका हूं जहां पे मेरे को ट्यूबलेस कराना था। इसको अभी हम ट्यूबलेस बनाने के लिए टायर को बाहर निकालेंगे। हाँ। और इसको ऊपर स्लैब लगा करके पूरा सील करेंगे। नोजल लगाने के लिए हॉल बड़ा करना होगा, तो ये बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और ये देखो मेरा हिमालयन 450 ये रहा, और मैं अभी जा रहा हूँ बाइक का ट्यूबलेस कराने के लिए, क्योंकि हिमालयन ने ट्यूबलेस नहीं दिया है, इसलिए उसको कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो अभी मैं ट्यूबलेस दिखाता हूँ कैसे कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई वे टू स्पीड या कोई किट वगैरह का ज़रूरत नहीं है। ये जुगाड़ टाइप का, मतलब मैंने इसका हैक निकाला है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को पूरा देखना तो समझ में आएगा कैसे ट्यूबलेस होता है, और आप भी करवा सकते हो, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है कह सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे GoPro में, स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करना ज़रूरी है क्योंकि ठंड का टाइम है, तो गाड़ी ठंडी हो जाती है ना, इसके लिए इसको वार्म अप करते हैं और जल्दी से चलते हैं। और ग्लव्स इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ठंड है यार बहुत। और आज है 22 जनवरी, जो कि बहुत ही इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट डे है। आज श्री राम जी आ रहे हैं अयोध्या, तो चलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। बैक, आज का दिन ही बहुत ही खास है क्योंकि देखो पूरा शहर भगवा रंग से रंग चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया लग रहा है माहौल, एकदम पूरा एकदम हरा भरा सा है, बहुत ही बढ़िया। आज लग रहा है आज मंडे वाला दिन है, लेकिन लग रहा है आज हॉलीडे है, ऐसा फील हो रहा है आज, क्योंकि हर एक चीज़ लगभग बंद ही है, सब सेलिब्रेट कर रहे पूरा इंडिया में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सब कोई मिलजुल के रहता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलो गाड़ी का मेन जो पर्पस है वो करवाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रिप में बहुत ही दिक्कत देने वाली है अगर ट्यूबलेस नहीं है तो, क्योंकि अगर पंचर हो जाती ना यार तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। एक ही बार मैंने झेला है GT में, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग बार, उसमें भी वो हैक मैंने किया था मतलब करवाया था, तो इसमें भी करवाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे होता है, अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो आप वहाँ आके ज़रूर करवा सकते हो। चलो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मेरे को ट्यूबलेस कराना था, और वो कोई बड़ा सा शॉप नहीं है, ये है टायर शॉप। बस लग रहा है ना, तो ये देखो ये है गुलाम भाई। हाँ तो चलो गाड़ी खुलेगा यहाँ पे, दोनों टायर खुलेगा, फिर प्रोसेस अभी कैसे कैसे होगा मैं बता दूंगा, ठीक है? पहले पीछे टायर खुलेगा, पहले पीछे टायर खुलेंगे उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा, ठीक है? कैसे कैसे होता है मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। बहुत ही अच्छा हैक है, आप इनसे आके बिल्कुल करा सकते हो। अगर आप रांची से देख रहे हो या झारखंड में कहीं से देख रहे हो तो आप यहाँ आके करवा सकते हो। रांची में ये बिग बाज़ार, क्या है ये अब क्या हो गया है, स्मार्ट बाज़ार हो गया। पहले बिग बाज़ार था, उसके जगह में अब स्मार्ट बाज़ार, उसके जस्ट अपोजिट में है ये लॉन्ग लाइफ टायर, है ना? आपका नंबर डाल देंगे। पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और टायर खुल चुका है यहाँ पे बाइक का, और यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखो तो अभी हवा निकल रहा है, हवा निकलने के बाद ये रिम खुलेगा, रिम खुलने के बाद फिर से आगे का प्रोसेस होगा। और ये देखो मेरी बाइक, जो कि अभी तक नंबर नहीं मिली है, नंबर मिलेगा तो फिर लगाएंगे अपन वही 6999, अभी टेम्प्रोरी नंबर लगा हुआ है, देख सकते हो। तो भाई खुल चुका है टायर, और इसके अंदर ये दिया रहता है क्योंकि ये रिम स्पोक पे वो कवर रहे, जिससे आपका टायर पंचर नहीं होगा, ट्यूब पंचर नहीं होगा। अच्छा, उसके लिए दिया रहता है। इसको अभी हम ट्यूबलेस बनाने के लिए टायर को बाहर निकालेंगे। हाँ। और इसको ऊपर स्लैब लगा करके पूरा सील करेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद टायर फिट करके इसमें सीलेंट डालेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कैसे होता है। तो ये देखो यार प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये क्या कर रहे हैं, नोजल लगाने के लिए हॉल बड़ा करना होगा, तो ये बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? अच्छा, मतलब ट्यूब भी अगर लगेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, बस ये देख सकते हो यार, ये तो मतलब आप दूसरा नोजल लगाने वाले हैं ना? घिस के उसको प्लेन कर दिया ताकि वो ट्यूब में इफेक्ट ना पड़े, मारे नहीं उसके लिए।
अच्छा एक चीज और पूछना था आपसे कि जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि ये चीज कराने के बाद टायर जब दोबारा चेंज करवाना रहेगा तब फिर क्या करवाएंगे? बस इजीली सिंपल सा खुलवाना है इसको, मशीन से खुलवाइएगा और मशीन से ही फिट करवाइएगा। उससे मतलब कुछ फर्स्ट टाइम नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही करना है और इससे कोई एक्सपर्ट के पास कराना है? अच्छा एक्सपर्ट के पास नहीं कराइएगा तो आपका ये ट्यूब छेड़ा होगा। हाँ लीकेज प्रॉब्लम। अच्छा और ऐसे कोई साइड इफेक्ट का मतलब कुछ नहीं होगा ना कभी? वो तो हम देखे हुए हैं, कभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि इससे पहले मैं भी इंटरसेप्टर में कराया हुआ हूँ, सेम चीज जीटी में जिसको मैं बताता हूँ, तो वो भी मैं बहुत पहले करवाया था जब बाइक लिया था, तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दो का किल तीन किल गड़ चुका था लेकिन फिर भी पंचर नहीं हुआ था। ये चीज़ है, ये देखो यार ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। हाँ इसके बाद हम लोग सीलेंट डालेंगे, ट्रीटमेंट के बाद चेकअप करेंगे, इसके बाद फिट करेंगे। फिट करेंगे पहले तो चेक करेंगे कि हवा कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है इसके लिए। इसके बाद हम लोग इसे सीलेंट डाल के हाँ गाइस अब देखो प्रोसेस, अब टायर में वो जो फिटिंग होना था वो हो चुका है और ये देखो ये है सिलन, ये डलाएगा टायर के अंदर। ये क्यों डलाता है गुलाम भाई? इससे आपका पंचर एंटी पंचर रही है। अच्छा एंटी पंचर, पंचर होगा ऑटोमेटिकली सील हो जाएगा इससे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। ये देखो यार प्रीवियस वीडियो में आप भी बताए थे आप। हाँ। पंचर ये वाला देखो, ये मतलब कहीं से मंगवाते हैं क्या? हाँ। ओके कैसे डालिएगा ये? ओके ये देखो यार डला रहा है सीलन, जिससे कि कभी भी पंचर हो तो ये पंचर भी होगा तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप बन जाएगा, ये रिपेयर हो जाएगा, काटी निकालना नहीं है बस। अच्छा कील इसे चुभेगा, कील को ही सील कर लेगा अंदर से, कील को छोड़ देना है वैसे। हाँ, बस छोड़ दीजिए। अगर निकाल दिए तो निकालिएगा, फिर आपको बनवाना पड़ेगा पंचर। हाँ। अच्छा मतलब ये कील फंसा रहेगा, कील से आपका हवा नहीं निकलेगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है? कोई इशू नहीं है, जब तक टायर घिसेगा तब तक चलते रहेगा। तो ये देखो यार रेडी हो चुका है पूरा टायर, ट्यूबलेस बन चुका है। ये प्रोसेस जैसे कि आपने देखा कुछ कुछ चीजें है था जो कि मैं बता नहीं सकता था, गुलाम भाई मना करके रखा था क्योंकि ये एक ट्रिक है क्या, तो ये ट्रिक सबको नहीं बता सकते। बट ये आपको ये मतलब कैसे ये दिमाग में आया कैसे? एक्चुअली 2008 में हाँ एवेंजर बाइक, हाँ बाइक क्या पंचर हो गया और ट्यूब में इतना ज्यादा होल हो गया। हाँ तो बनने से रहा। अच्छा तो रात के 10 बजे मैंने उसको हाँ एक्सपेरिमेंट करके ट्यूबलेस बनाया, बनाने में 2 से 3 घंटे लगे। ये कहाँ है? हैदराबाद में हुआ था? रांची में हुआ। अच्छा रांची में हुआ, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस हुआ वो हैदराबाद में। ओके ओके का एक्सपीरियंस एक्चुअली जो एवेंजर बनाने के बाद 2008 में बनाए थे तो तदरातु रहने वाला था। अच्छा तदरातु चले गया, उसके बाद 2 साल के बाद आया, मैंने फीडबैक दिया कि बहुत अच्छा रहा। अच्छा अभी तक चल रहा है और हम भी वो चीज यूज किए हैं, फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। अच्छा 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 बाकी देखो ऑलमोस्ट 2008 से मैं बना रहा हूँ। हाँ अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा और एक भी कंप्लेन अभी तक नहीं, एक भी कंप्लेन नहीं यार, हम भी यूज किए हुए हैं ना। जावा कंपनी से टाइप किया हूँ। हाँ। जितना भी जावा का बाइक है। हाँ कंपनी मुझे बेचती है और मैं उसे बना के देता हूँ। ओके ओके और लेकिन हो गया यार ट्यूबलेस देखो, एकदम ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखो पहली बात तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हवा देने में। हाँ। इसका बैंड नोजल हो गया। अच्छा। कहीं भी आराम से जाके डलवा सकते हैं हवा, मतलब कम होगा तो डलवा सकते हैं कहीं। तो गाइस टायर फिट हो रहा है, सब कुछ होने के बाद अब टायर बस फिट होना बाकी रह गया। टायर फिट होके मैं अभी गाड़ी चलाऊंगा और आपको रिव्यू दे दूंगा कि कैसा लगता है चलाने में बस। बट यार आप इस पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ जीडी में, सेम चीज़ हुआ था तो बहुत ही बढ़िया है। ट्यूबलेस हो चुका है टायर, अब मैं थोड़ा सा आपको चला के रिव्यू दे देता हूँ कि कैसा लग रहा है। अरे अच्छा अभी तो ऑन कर लूँ तभी कहूँ क्या चीज मिसिंग है। ये बॉय ओप्स, चलो जी ट्यूबलेस टायर के साथ अब चलने में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि अब टेंशन फ्री होके आदमी चलेगा। पहले होता था कि टेंशन होता था यार कि पंचर हो जाएगा तो कैसे झेलेंगे, बट अब झेलना नहीं है भाई, बस गाड़ी को उड़ाना है। और ये रहा मेरा स्कूल 11-12 में यहाँ पर किया हूँ, फरालाल पब्लिक स्कूल रांची। ये
नाइस, कोई डिफरेंस नहीं है यार, आप ट्यूबलेस करा सकते हो एकदम आके, बेझिझक। मैं इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई जब पंचर हो जाता है ना तो उसको झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और एक बार जो झेलता है उसको लगता है कि काश ट्यूबलेस होता तो कितना अच्छा होता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये हैक है, करवा सकते हो आप, पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे, 1000 रुपये सिर्फ एक टायर के। सिर्फ मैंने बैक वाला ही, रियर वाला ही करवाया क्योंकि रियर वाला ही पंचर होता है, फ्रंट का होता नहीं है। और रॉयल इनफील्ड की तरफ से अगर वो ट्यूबलेस रिम आ गया तो फिर मैं लगवा लूँगा वो, बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा कि कैसा है रिव्यू। भाई रिव्यू मैं आपको बता ही दिया हूँ, पहले भी यूज़ किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आज का माहौल इतना ज़बरदस्त है कि क्या बताऊँ, इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। वाह, भीड़ है बहुत लेकिन जो माहौल बना हुआ है बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। वाह, जय श्री राम।